हेलो नमस्ते सलाम वेलकम टू माय शो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। जल्द ही फिर से दिखने वाला है तू तू मैं किस में बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 पर। वहीं इस ईद पर सलमान ने फैंस को दी बड़ी ईदी और कैसे कार्तिक भूल भुलैया 3 में लड़ेंगे चुड़ैलों से, सबका होगा खुलासा सिर्फ एंटरटेनमेंट वर्ल्ड पर। सो लेट्स फाइंड आउट मोर गॉसिप्स। बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 और सीजन 2 को मिली सफलता के बाद अब बिग बॉस ओटीटी का सीजन 3 जियो सिनेमा पर अपनी वापसी करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स की माने तो इस शो का प्रीमियर अगले महीने 15 मई को हो सकता है। हालांकि अब तक मेकर्स की तरफ से शो में शामिल होने वाले किसी भी कंटेस्टेंट के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, पर उड़ते उड़ते खबर आई है कि हो सकता है शाहरुख खान की ऑन स्क्रीन बेटी सना सईद इस शो में नजर आ सकती है। फिलहाल मेकर्स किसे कितनी रकम देने वाले हैं इस पर चर्चा हो रही है। साथ ही पहले विकी जैन का नाम सामने आ रहा था, पर खबर की माने तो उनका कोई इरादा नहीं है। वही दलजीत कौर, शहजादा धामी और प्रतीक्षा होनमुखे का नाम भी लिया जा रहा है। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 साल 2022 की मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म साबित हुई थी। अब भूल भुलैया 3 से एक बार फिर वो रू बाबा बनकर कॉमेडी स्टाइल में भूत भगाने के लिए तैयार है। फिल्म की शूटिंग को शुरू हुए एक महीना हो चुका है। भूल भुलैया 3 कार्तिक आर्यन की बिग बजट अपकमिंग फिल्म है। मूवी में विद्या बालन और तृप्ति साथ में दिखने वाले हैं। दोनों ने शूटिंग भी शुरू कर दी है। डायरेक्टर अनीश बज्मी इस मूवी के सीन्स को सिर्फ मुंबई में ना फिल्मा कर इंडिया की अलग अलग लोकेशंस पर शूट करेंगे। तो अब अपडेट ये सामने आई है कि अनीश बज्मी फिल्म की शूटिंग मुंबई के अलावा कोलकाता और कुछ अन्य लोकेशंस पर करेंगे। वहीं हाल ही में अनीश बज्मी पूरी टीम के साथ कोलकाता आए हुए हैं, जिसकी फोटो भी कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम से शेयर की। कार्तिक सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता के मशहूर हावड़ा ब्रिज पर सड़क के बीचों बीच खड़े हैं। उनके पीछे टैक्सियों की कतार भी नजर आ रही है, जो ये बताने के लिए काफी है कि एक्टर ने हावड़ा पर ही चक्का जाम कर दिया है। वैसे ये फिल्म इस दिवाली रिलीज हो सकती है। 2023 अपने नाम करने वाले बॉबी देओल को विलन के तौर पर दर्शकों ने काफी पसंद किया। एनिमल के बाद अब वो हिंदी ही नहीं बल्कि साउथ की भी कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। हालांकि विलन की कुर्सी हथिया चुके बॉबी और थ्रिलर फिल्मों के बेताज बादशाह बनने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में गैंग्स ऑफ बासेपुर के निर्देशक के साथ सच्ची घटना पर आधारित एक थ्रिलर फिल्म साइन की है। अपने करियर में अलग अलग निर्देशकों के साथ काम कर चुके बॉबी अब पहली बार फिल्मकार अनुराग कश्यप के साथ एक थ्रिलर फिल्म करने जा रहे हैं। ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित होगी। रिपोर्ट्स की माने तो बॉबी और अनुराग पिछले कई सालों से एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन बीच में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया। कुछ महीने पहले ही अनुराग ने इस फिल्म की कहानी बॉबी को सुनाई, जो बॉबी को काफी पसंद आई और उन्होंने उसके लिए हामी भी दे दी है। फिल्म की कहानी दुष्कर्म के झूठे आरोप में फंसे एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं है, लेकिन निर्माताओं की योजना अगले महीने से इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने की है। रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं। अब खबर है कि नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म रामायण में रावण के रोल निभाने से साउथ सुपरस्टार यश ने इनकार कर दिया है। ऐसी चर्चा थी कि इस फिल्म में KGF स्टार को रावण बनने के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि इसके अलावा एक्टर ने इस फिल्म से पूरी तरह से किनारा नहीं किया है। रिपोर्ट्स की माने तो नितेश तिवारी के ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण में रावण बनने से साउथ के मशहूर एक्टर यश ने मना कर दिया है और इस खबर से उनके फैंस का दिल जोर से टूटता हुआ सुनाई दे रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो नितेश तिवारी के ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण में रावण बनने से साउथ के सुपरस्टार एक्टर यश ने मना कर दिया, जिसके बाद इस खबर ने उनके फैंस को हिला दिया है। KGF के हिट होने के बाद से ही यश की हिंदी सिनेमा में भी डिमांड कई गुना बढ़ चुकी है और ऐसे में फैंस उन्हें रणवीर के ऑपोजिट फिल्म में रावण का किरदार निभाते देखना चाहते थे। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए सुपरस्टार यश को 80 करोड़ का ऑफर दिया गया था। रावण का रोल निभाने को लेकर काफी समय से चर्चा भी थी, लेकिन अब इस खबर ने फैंस को बड़ा झटका दिया है।
हालांकि अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई, पर रिपोर्ट्स की माने तो यश पूरी तरह से फिल्म से बाहर नहीं हुए, अब वो फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पर इससे जुड़े रहने वाले हैं। और सलमान खान और फिल्म निर्माता एआर मुरुगा दास ने अपनी अपकमिंग फिल्म का ऐलान सोशल मीडिया पर ईद उल फितर 2024 के खास मौके पर कर दिया है। सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर की अनाउंसमेंट के बाद उनके फैंस इस मूवी को देखने के लिए अभी से काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। पर आपको बता दें, ये फिल्म 2025 ईद के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। भाईजान ने साल 2010 से 2023 तक लगातार अपने फैंस को ईद पर खूब एंटरटेन किया है। वहीं इस साल उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन 2025 में ईद के दिन बॉलीवुड स्टार की फिल्म रिलीज होगी। कह सकते हैं कि ईद उल फितर के मौके पर सुपरस्टार सलमान खान ने सिकंदर नाम के अपकमिंग बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए फैंस को ईदी के तौर पर बहुत ही प्यारा सरप्राइज दिया है। वेल, दैट्स इट फॉर नाउ इन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।